और इस वक्त की बड़ी खबर, रांची में सहायक पुलिस कर्मियों का प्रदर्शन जारी है। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। रांची में सीएम हाउस जाते वक्त हंगामा किया, बैरिकेड्स लगाकर सहायक पुलिसकर्मियों को रोकने की कोशिश की गई। वेतन और नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वेतन में 25% की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सोहन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहन, क्या है ये पूरा मामला और इस वक्त क्या हो रहा है? सहायक पुलिसकर्मी है और इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और ये अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूअल कराने के लिए और भी कई मांगों को लेकर रांची के मोरवादी मैदान में कई दिनों से ये आंदोलन कर रहे थे। कभी राजभवन का घेराव कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। आज ये सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे और रांची पुलिस ने बैरिकेडिंग को लगाया था, लेकिन बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद रांची पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया है और ये जितने भी सहायक पुलिसकर्मी थे वहां से ये बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ रहे थे, तो रांची पुलिस ने जमकर इन पर लाठियां बरसाई है। और वहां के बाद कहा जाए तो ये अभी भी सहायक पुलिसकर्मी वहीं पर बैठे हुए हैं और बीच सड़कों पर ही बैठे हुए हैं। और ये सहायक पुलिसकर्मी जो सहायक पुलिसकर्मी इनके लगातार मांग कर रहे थे, इनकी जब कॉन्ट्रैक्ट बार बार जो खत्म हो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को इनको रिन्यूअल किया जाए और भी कई इनके मांग थे, लेकिन इनकी मांग को झारखंड सरकार नहीं मान रही थी। और आज भी कहा जाए तो इनकी झारखंड सरकार से वार्ता हुई थी और झारखंड सरकार ने एक साल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करने की बात कही थी, लेकिन ये और भी अपनी मांग को मानने के लिए कह रहे थे, लेकिन झारखंड सरकार ने कहा कि जो भी मांग है वो बाद में माना जाएगा या बाद में आपसे वार्ता किया जाएगा। और वार्ता विफल होने के बाद ये सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे और बैरिकेडिंग इन्होंने तोड़ दिया था। उसके बाद रांची पुलिस ने जमकर इन पर लाठियां बरसाई है और ये सहायक पुलिसकर्मी है और इनकी में कहा जाए तो 5 साल पहले इनको बहाल किया गया था, नक्सल इलाकों में इनकी तैनाती की गई थी और 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट पे इनको रखा गया था और 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद इनका फिर से कॉन्ट्रैक्ट होता था और कॉन्ट्रैक्ट अभी इनका खत्म हो गया और ये कॉन्ट्रैक्ट को बहाल करने के लिए कई मांगों को लेकर लगातार कई दिनों से रांची के मोरवादी मैदान में बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आज उसी में ये सीएम हाउस घेराव करने जा रहे हैं। सरकार से कोई बातचीत करने की पहल हुई है, बातचीत चल रही है या प्रदर्शन का दौर जारी है? देखिए, आज इनकी सुबह इनकी वार्ता हुई थी, झारखंड पुलिस जो टॉप ऑफिसर है और सहायक पुलिसकर्मी इनके बीच आज वार्ता हुई थी और वार्ता विफल होने के बाद ये सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे थे। इनकी कई मांग है और ये कह रहे थे कि इनकी जितनी मांगे हैं मांग को माना जाए। सरकार ने कहा कि जो मांग है वो आगे माना जाएगा और अभी भी ये धरने बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।